उदासी क्यों ए जाने यूं हर कदम पे गर्दिशे हैं अगर भागे तो दुख जागे आबशारे जैसे रो रही हूं बेसदायूं हुई धड़कने भी टूटे पत्तों की जैसे खामोशी जिसको मैंने बांधा था कदमों से बाजी खैरियत है इतनी सुबह सुबह परेशान दिख रही हो क्या हुआ है बाजी वो नूरी को रात को अचानक बुखार हो गया बेहोश पड़ी हुई है तारिक ने मुझे बेवकूफों की तरह एयरपोर्ट पे घंटों वेट करवाया बिलीव मी मैंने उसको कल ही बता दिया था कि तुम्हें एयरपोर्ट से पिक करना है आंटी उसने मुझे पिक नहीं करना था रिसीव करना था आफ्टर ऑल आई एम योर गेस्ट तमाशा बनाकर रख दिया मेरा बिल्कुल भी एतबार के काबिल नहीं हाउ आर यू आई एम गुड यू गुड यस कौन है मैं तारिक फरमाइए अंदर आकर बैठने दो तभी तो कुछ फरमाऊंगा नहीं इधर से ही बात करें क्योंकि यहां पर बात होगी नहीं मैं खुद देख कर आ रहा हूं रेहाना आंटी वर्कशॉप में है तो मैं कोई चोरी नहीं करी जो मैं डरूं सबसे मैं तो कर रहा हूं शायद इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है क्यों कर रहे हैं ऐसी क्या मजबूरी है आपकी तो आप मेरे कोच भी नहीं जो मैं कोई भी बात करने का आपसे रास्ता रहे रास्ता तो एक ही है नहीं अब आप यहां से जा सकते हैं देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो ना मैं हार नहीं मानूंगा हार तो मैं भी नहीं मानूंगी तब तक जब तक मैं आपको कुछ बनकर ना दिखा दूं आपके बगैर मैं सब कुछ हासिल करके दिखाऊंगी ना मुझे आपकी जरूरत है और ना कभी होगी देखो नूरी जब ताल्लुक गहरे होते हैं तो गलत फहमियां हो जाती हैं शक और गलत फहमी में फर्क होता है अब आप यहां से जा सकते हैं मैंने आपसे इतनी बात कर ली इसे भी बहुत समझा Ah, 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 ah.
सपनों का लहू क्यों सर्द हुआ, लगे क्यों ये सब कुछ ये बेमाया, अखियां हैं बुझी मुख सर्द हुआ, मेरे दिल ने ऐसा धोखा। जो ताल्लुक गहरे होते हैं तो गलत फहमियां हो जाती हैं। नूरी झूठे सहारों के बगैर जीना सीखेगी। करम कर ले खुदा के दिल है रो रहा। चल, सेलफोन से याद नहीं हुए होते तो शायद दुनिया में कोई कोई काम कर लेते। क्या हाल है? बहुत बुरे हैं और बोर भी हो रही हूँ, लेकिन तुम्हें इससे क्या? बोर क्यों हो रही हो? अरे घर के कामों में अपनी प्यारी खाला का हाथ बटाया कर, बोरियत भी दूर हो जाएगी। मसलन क्या करना चाहिए मुझे? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनमें हाथ बटाया करो, और रात के खाने में ना कुछ लाइट खाना चाहिए। सो टेक केयर ऑफ दैट। मिस्टर, मैं यहाँ रिलैक्स होने आई हूँ। शेफ बनने की प्रैक्टिस तो मैं अपने घर में भी कर सकती हूँ। अपने घर में काम करने वाले को या खाना पकाने वाले को शेफ नहीं कहते? अपना घर? अरे खाला का घर भी तो अपना ही घर होता है ना। ज्यादा घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई है मुझे। थैंक गॉड, कम से कम बात समझ में आ गई तुम्हारे। बाय द वे, तुम ये गायब कहाँ हो जाते हो? मैं जिम भी गई थी लेकिन तुम वहां पर भी नहीं थे। जिम और घर के अलावा भी इंसान को काफी काम होता है। समझ आ गई, तुम अपने उसी दोस्त को मिलने चले गए होगे जो हॉस्पिटलाइज्ड है। दोस्ती दुनिया का सबसे महंगा रिश्ता होता है, सबसे इम्पोर्टेंट। जिसके पास कोई दोस्त नहीं होता ना, वो शायद दुनिया का सबसे गरीब आदमी होगा। ओके स्टॉप, समझ आ गई है मुझे। अरे इतनी अच्छी बातें बोल रहा हूँ मैं, एंड यू लाइक स्टॉप स्टॉप। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना, काफी है। और ये किसने कह दिया तुमसे? क्या कि तुम दोस्त हो मेरी? तो क्या दुश्मन हूं? नहीं बाबा, दोस्त ही हो। अच्छा, अब तुम बोर मत करो, अब क्यों ना हम कहीं बाहर घूम कर आए। चलो चलो घूम के आते हैं। हाँ, सारा दिन तो गायब रहते हो। घुमा के लाता हूँ, चलो। मजे हैं इसके, और एक हम है कि नूरी हमारी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं करती।
कभी सुबह चले कभी सुबह चले हेलो हेलो तारिक बेटा आवाज आ रही है मेरी अच्छा सुनो तुम्हारे पापा का सेल ऑफ है शायद मीटिंग में है बहुत टेंशन हो गई है यहाँ पर जी मामा सब खैरियत तारिक बेटा बात ये है कि हमने बहुत सा क्लॉथ परचेज करना था हम सुबह से यहाँ आए हुए हैं इस्लामाबाद लेकिन वो अब पता चला है कि नथिया गली के सारे रास्ते बंद है पता नहीं क्या हुआ है नो गॉड मामा अब तो रात हो रही है आप लोग किसी तरह गाड़ी में कब तक बैठे रहेंगे बेटा मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था कि मैं अभी कैंट जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर रात को यहीं रहूंगी और अपने पापा और जोया को बता देना जी ड्राइवर तो आपके साथ ही है ना हाँ हाँ ड्राइवर भी मेरे साथ है और रिहाना भी मेरे साथ है अंदर मैंने मॉल में भेजी कुछ सामान लेने के लिए सुनो तुम नूरी को बता देना हम खैरियत से हैं ओके जी श्योर मैं बता दूं अल्लाह हाफिज कोई आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाता है ना तो आप अपने ईगो को क्रश करके बार बार उसके पास जाते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन ना मिलने पर मरीज बार बार उसे तलाश करता है अम्मा घर पर नहीं है कोई काम था उनसे यही बताने आया था कि मजाक कर रहा था आजमा रहा था तुम्हें और अब बस कर दो नहीं तो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए शायद सुसाइड करना पड़ेगा मुझे कर भी लें रियली हाँ एक आइडिया है मेरे पास कमरे में अंधेरा करें एक ग्लास दूध का लें उसमें जहर मिलाएं और पी लें बाय मशवरे का शुक्रिया और तब तो और भी अच्छा है ना जब कोच को फीस भी ना दी हो अब आपकी किसी भी बात का मुझ पर असर नहीं होने वाला मजीद बेवकूफ बनने के लिए तैयार नहीं हूं मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं नूरी जानता हूं मैं
तुम्हारी जिंदगी के उस मोड़ पर जब सबसे पहले मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था, मैंने ही तुम्हारे रास्तों में मुश्किलें पैदा की। And trust me, उस घटिया इंसान को छोड़ूंगा नहीं मैं। जरा सी भी नरमी बरती जाए उसके साथ, वो डिजर्व नहीं करता। अरे बस भी कर दो यार, कब से कह रहा हूं, मजाक कर रहा था। और मुझे नहीं पता था कि सबको इतना बड़ा गुस्सा बना के अपने दिमाग पर सवार कर लोगी और 105 बुखार चढ़ाकर बैठ जाओगी। मजाक कर रहे थे आप? क्यों, तुम्हें तंग करने का कभी कोई मौका जाया होने दिया है मैंने? नूरी, तुम्हारी खामोशी को क्या समझूं मैं? अच्छा, एक मैसेज देने आया था, वो ले लो, इससे पहले कि भूल जाऊं डिलीवर कर देता हूं। वो आंटी, रिहाना आंटी घर नहीं आएंगी आज, वो मामा के साथ कैंट गई हैं, रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो गई थी सो वहीं रुकेंगे। मां आज घर नहीं आएंगी, फिर मैं अकेले कैसे रहूंगी रात को? हाँ, अकेले तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अकेले रहने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, हम बैठेंगे साथ में पूरी रात, बातें करेंगे। नहीं, बुरी बात होती रात को अकेले लड़की के साथ बैठ के बातें करना। हाँ, ये भी तुम सही कह रही हो, अकेले बैठेंगे इस तरह तो अच्छा नहीं लगेगा। तो तुम एक काम करो, तुम अपनी 5-6 प्यारी प्यारी सी सहेलियों को बुला लो, हम सब मिल के पूरी रात बातें करेंगे। How's that? अरे मजाक कर रहा था। तुम इंसान हो या गोस्ट, कहाँ गायब हो जाते हो? है ना, एक्चुअली एक गोस्ट ही हूं, एक भूत। हाथ से 500 साल पहले मैंने नथिया गली के सबसे ऊंचे पहाड़ से कूद कर अपनी जान दी थी, और तब से मेरा भूत भटक रहा है। अच्छा, अभी बताती हूँ तुम्हें। हाथ नहीं लगाना मुझे, मैं इस वक्त अपने जोन में हूं, अगर तुमने छुआ ना मुझे तो तुम भी भूत बन जाओगी। तारिक, तुम कभी लाइफ में सीरियस भी हुए हो? हाँ, एक बार हुआ था। कब? जब मैंने उसे अपने दिल की बात कही थी। उससे? किसे? आओ, मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ कि वो एक्चुअली थी कौन। हुआ कुछ यूं कि मैं मेरा हाथ छोड़ दो, ऐसा लग रहा है जैसे फौरन किसी चुड़ैल की गिरफ्त में आ गया हूँ। सॉरी, तुम्हें परी नहीं कह सकता, परियां बुरा मान जाती। बस फौरन दे दिया सबूत अपने चुड़ैल होने का। सॉरी, बस सही है, मौके आइडिया, ऐसा करते हैं कि अच्छी सी मूवी देखते हैं, फ्रेश जूस पिएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत मजा आएगा। क्या हुआ, सब खैरियत है? सारी रात जाके फिल्में देखोगी, सुबह सोओगी, अरे तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे नहीं करते, ऐसे करोगी तो ये तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा बोर नहीं करो तारिक, प्लीज। लो, एक और सबूत दे दिया तुमने।
तुम्हारे अंदाज तो सबके साथ ही जैसे। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती तारक। मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। पर यह बात भी सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए। कुछ कहोगे या इसी तरह बोलते रहोगे? वो कभी सुबह चले कभी सुबह चले। भरोसा नहीं करूंगी मैं। मामा की वर्कशॉप, मामा की बुटीक दोनों को नूरी की मामा ही संभालती हैं। ओ, तो यू कहो ना कि तुम्हारी सर्वेंट है। वेल, वो हमारी फैमिली के साथ इतने अरसे से हैं कि अब फैमिली मेंबर्स की तरह ही हैं। कुछ अरसे पहले डैड को और मॉम को ऐसा लगा कि उनका नेक्सी में रहना ठीक है। उस काम का लोड बहुत बढ़ गया था, सो अब वो वहां रहते हैं। ओके, लेकिन ये लड़की तो बहुत ही इल मैनर्ड है। तुमने देखा नहीं कैसे छुपकर हमारी बातें सुन रही थी? अरे नहीं, नूरी वैसी नहीं है। वो लाजमन अपना कोई काम करने आई होगी। इतनी प्यारी लड़की को घर में सर्वेंट नहीं होना चाहिए कि मास्टर ऑफ द हाउस हर वक्त अपने लाइफ पार्टनर से कंपेयर करता रहे। वाला भी कोई लाइफ पार्टनर है नहीं। जब आ जाएगी तो फिर गौर करेंगे। ये भी सही है। जो बहुत देर हो गई, तुम जाके सो जाओ। इतनी जल्दी? नहीं, बहुत देर हो गई, तुम जाके सो जाओ। चलो ठीक है। Good night. Good night. उदासी क्यों ए जाने हर कदम पे गर्दिशे हैं। अगर भागे तो दुख जागे। तुम्हारे अंदाज तो सबके साथ एक जैसे, मेरे लिए क्या खास है? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती तारिक। बहुत सारे कपड़े देने हैं, इतना काम है, कैसे करूंगी? अब तो मैं थक भी जाती हूँ। तुम्हारे बुखार ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हाँ, याद आया, वो बाजी की भांजी आई हुई है। अच्छा, आंटी की भांजी है? माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। जोया नाम है उसका। तुम नहीं मिली अभी तक? मिली थी,
मेरा मतलब है, देखा मैंने उन्हें आज। पागल हो गए क्या, कैसी बातें कर रही हो? कभी कर ये देखा है, कभी कर ये मिली है। अम्मा मैंने उससे अभी तक बात नहीं की है। अच्छा बात भी हो जाएगी, अभी तो वो यहीं पर है और हो सकता है कुछ दिनों के बाद वो हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाए। हमेशा के लिए? बाजी उसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। जाहिर है वो भी सोचती होगी कि जब खुदा ने इतना कुछ दिया है तो उनकी अपनी भांजी क्यों ना ऐश करे, इधर उधर से भला वो बहू क्यों तलाश करे। क्या सोच रही हो? आप इतनी बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रही हैं, तारिक से एक बार प्रॉपर डिस्कस तो कर लें। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हमेशा नॉन सीरियस रहता है, शादी के मामले में तो जोक मारने लगता है। अच्छा डरा दिया तुमने मुझे, तुम्हें पता तो है हर वक्त नाक में दम किए रहता है, उसकी आदत है हंसी मजाक की। छोड़ो टेंशन ना लिया करो ज्यादा उसकी, शादी तो मैंने उसकी करनी है ना। थैंक गॉड उसने तो मुझे डरा ही दिया था। क्यों, कुछ कहा है क्या उसने? अब नहीं, ऐसे ही डायलॉग मार रहा था। यही तो पूछ रही हूँ, क्या कह रहा था? यही कि शादी जंजीर होती है, बाउंडिंग होती है, और मैं अभी अपनी आजादी एंजॉय करना चाहता हूँ। अरे छोड़ो ना मेरी जान, तुम्हें कहा है ना वो हंसी मजाक करता रहता है, आखिर ब्याह तो करना है ना मैंने उसका। तुम्हें पता है जोया, जब बेटा गोद में आता है ना, माँ उसी दिन से चांद सी बहू लाने के ख्वाब देखना शुरू कर देती है। मैंने बस ये करना है कि एक कान से उसकी बात सुननी और दूसरे से निकाल देनी, ठीक है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। You're too good, आंटी। And I'm great too. अच्छा चाय पियेंगी? कॉफी। चलें ठीक है, मैं बना कर लाती हूँ। Why not? You tired? No, not at all, not at all. वो मैंने हातिम साहब से बात कर लिया, वो एक घंटा रोज आके नूरी को प्रैक्टिस करा देंगे। हातिम साहब? हाँ भाई, तुमने इनकार जो कर दिया था तो ऑब्वियसली किसी का तो बंदोबस्त करना था ना। टाइम ही कितना रह गया, 3 महीने? यू राइट डैड, बट मैंने इस बारे में दोबारा सोचा और मुझे महसूस हुआ कि इस तरह कोचिंग को दरमियान में छोड़ देना अच्छा नहीं है। देखो अब तो सारे मामला तय हो गए हैं, फीस भी तय हो गई है, पर डैड देखो तुम रिलायबल नहीं हो और मैं कमिटमेंट को बहुत सीरियस लेता हूँ। देखो वो बच्ची काफी मेहनत कर रही है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आपने उससे बात की? हाँ हाँ वो मैं कर लूंगा, वो हातिम साहब 1 घंटा देंगे, ड्राइवर उसको अपने साथ ले जाया करेगा। ये बात तुम्हारे मेरे दरमियान है, तुमने ये बात मम्मी से नहीं कहनी, नूरी को मैं खुद समझा दूंगा। ठीक है यार, अगर ऐसा है तो मुझे भी आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। पर यह बात भी सिर्फ हम दोनों के दरमियान रहनी चाहिए, मम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। अरे यार कुछ कहोगे या इसी तरह बोलते रहोगे? कभी सुबह चले, कभी सुबह चले। यू वेस्टिंग योर टाइम, चैंपियनशिप जीतना तो बहुत दूर की बात है, तुम तो रनर अप भी आ जाओ बेहतर यही है कि अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कहीं उसमें भी फेल हो गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप या कोई और कितना भी मुझे डिसहार्ट करने की कोशिश करे, मेरे स्पिरिट कम नहीं हुए। अगर तुम्हारी की मेरे पास आ गई तो तुम कार्ड्स नहीं खेल सकोगे। कभी